देखने वालों नहीं देखने वालों को आप सभी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। और मसूरा दुखरा है निर्मल जी का, इसलिए आज लेट तक सोते रहिए। और देख लो एक तरफ का मुंह इनके ये सूजा हुआ, इधर का देख लो आप, ये इधर सूजा हुआ है, तो इसलिए सोते रहे। बाकी ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं आज और मस्ती में। और हाँ, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का नया वर्ष है विक्रम संवत, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके एक ग्राहक आया, उधर जाओ, मुझे लग रहा है ऐसा है, मतलब ये दांत अगर पटकाना है तो पहली बात वाटर शुगर कंट्रोल देखेगा इधर वो दर्शन डेंटल वालों। ये तेल है ये हाँ ये है क्या ये है ये ये हाँ ये है नहीं ये दो जोरदार ये अम्मा जी के दांत हिल रहे ना, अब इनको गिरवाना पड़ेगा। हाँ। खाना ही नहीं खा सकते इस कारण से। ये निर्मल के ग्राहक आ गया सुबह सुबह, एक भी पीसना चालू कर दिया इसने। ये इसकी मील है छोटी। आज भारतीय परंपरा के अनुसार जो नया नव वर्ष है उसके अनुसार सभी को फर्स्ट में सुबह सुबह नीम के पत्ते, मिश्री और काली मिर्च खानी चाहिए भगवान के प्रसाद चढ़ाने के बाद में। तो हम भी खा रहे हैं, फिर चाय पी लेंगे। आज ये पूजा करने में व्यस्त है विशु, नया साल भी है और नवरात्रि स्थापना भी है, इसलिए आज इसका आधा घंटा गया पूजा करने में, आधे से पौन घंटा तो इसको लगेगा ही लगेगा। आज अभी पूजा होएगी, फिर पाठ पूजा होएगी, पाठ पूजा मतलब फिर पाठ होगा भगवान का, इसलिए आधा सा पौन घंटा गए, आधे से पौन घंटा तो इसको लगेगा ही लगेगा 100%। इसको कितनी देर लगेगी? आज इस पेप्सी की मशीन को भी चालू कर देते हैं, इसमें पंप फिटिंग कर रहा है निर्मल अभी। ये पंप इसलिए डाला जाता है जिससे कि इसके पानी, इसके पाइप से एक पानी दौड़ेगा इस मशीन के हीटर में जाएगा और इस हीटर को धीरे धीरे वापस ठंडा भी करता रहता है जिससे पन्नी चिपकती नहीं है इसके अंदर। नया पंप लेके आए थे, पुराना पंप ख़राब हो गया था इसलिए। किस्मत ही ख़राब है सारी, वैसे तो सीजन में चालू नहीं करी और सीज़न चालू होने के बाद में एक महीने लेट चालू करें मशीन, फिर भी एलिमेंट काम नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं, देखिए ठीक करने की कोशिश करते हैं इनको। इसका ये एलिमेंट है जिससे पन्नी चिपकती है, अभी दोनों ही ये गर्म नहीं हो रहा है। और नीचे एक और एलिमेंट है, यहाँ से कट के नीचे गिरती है पेप्सी, ये भी गर्म नहीं हो रहा है। दो साल के बाद में चालू कर रहे हैं ना इसलिए। अब देखते हैं इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं एक बार, कैसे भी जुगाड़ करके मशीन को तो ठीक कर दिया हम दोनों भाई ने मिलकर, साथ में विशु का पूरा सहयोग रहा क्योंकि वायरिंग के अंदर उसी ने बताया था कि एक वायर यहाँ लगेगा, एक वायर यहाँ लगेगा। बाकी जयपुर वाले भैया ने भी बहुत सहयोग किया हमारा, काम अच्छा हो गया, मशीन चालू। ये दोनों पार्ट्स खराब हो गए थे मशीन में, जयपुर फ़ोन करके पूछा और बताया ये ऐसे ऐसे करना है, और फाइनली ठीक कर दी मशीन को। अगर इंजीनियर जयपुर से आता तो 8-10 हज़ार का खर्चा हो जाता, लेकिन वो भी ठीक है, पूरा कोऑपरेट करते हैं इंजीनियर जयपुर के। अच्छा नहीं, फाइनली ठीक होगी भगवान दया से मशीन, और अब कल से काम चालू करते हैं इसके। अब पी लेते तसली से चाय, फिर चालू करते हैं पेप्सी का। दुश्मनी पूरी निकालेगा मेरे से, पूरे दिन पर आया नहीं ना, आज लेके नहीं आया इसको, आज इसके बाड़े में ही बन रहा पूरे दिन पिछले, ये देख लो आज। नमस्कार, ये तरह खाए ना यार, खाने का बढ़ावा दे रहे, खाए ना, ले खाए ना ये। हाँ वेरी गुड, अच्छा बच्चा है यार, तो
बोलते ही लगा। महाराज, ओ गनु महाराज, देखो आज बिल्कुल बोल चाल नहीं है हमारे कन्नू महाराज की, क्योंकि आज नाराज़ हो गया है, आज इसको बाड़े से लेके नहीं आया ना इसलिए। अच्छा अच्छा अब नहीं करेंगे, बस अब तेरे को रोज़ लेके आ जाएंगे दिन में भी, ठीक है। शाम को तो लेके आए हैं ना इधर से यार, तेरे को लेके आया शाम को तो यहाँ पे, शाम को तो यहीं पर रहता रहे, इतनी नाराज़ की इस बात की, अब नहीं। फाइनली आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।